नमस्कार मित्रों, संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के साथ जो निकल रहा है BSF से, तो BSF से बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी फोर्स से वैकेंसी निकली हुई है 10वीं पास के लिए। यदि आप 10वीं पास हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो किस प्रकार ये फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्या इसमें एज वगैरह रखी गई है, संपूर्ण डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो पे चलने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। तो हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं न्यूज़। तो मित्रों, आप यहाँ देख सकते हो BSF में आई 10वीं उत्तीर्ण युवा करें आवेदन। ठीक है, डिपार्टमेंट या जिस डिफेंस में जॉब निकल रहा है BSF से ये जॉब निकला हुआ है। यहाँ 10वीं उत्तीर्ण युवा करें इसमें आवेदन, ओनली 10वीं पास, बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स न्यू दिल्ली, सॉरी नई दिल्ली। तो यहाँ देख सकते हो आप जॉब निकल के आया है। तो हम बात करते हैं इसमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी। तो वैकेंसी देख सकते हो मित्रों आप यहाँ, तो 207 वैकेंसी आपको यहाँ मिल जाएगी। कितनी? 207 वैकेंसी। तो ये किस पोस्ट के लिए निकल के आ रहा है, पद का विवरण देख सकते हो आप। टेक्निकल स्टाफ के लिए ये भर्ती निकली है, टेक्निकल स्टाफ के लिए, जैसे CT, फिटर, ऑपरेटर। मैं आपको लास्ट में इसकी PDF दिखा दूंगा जो विज्ञप्ति जारी की गई है, और उसी में हम देखेंगे कि वर्ग वाइज कितनी कितनी वैकेंसी OBC SC ST को मिल रही है। इसके बाद में यहाँ बात करते हैं हम शैक्षणिक योग्यता की। तो आप देख सकते हो योग्यता आपकी होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। तो 10, यदि आप 10वीं पास हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ आती है, ये फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये फॉर्म ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो ये सभी राज्यों के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सभी राज्यों के, ठीक है, सभी राज्यों के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं इसमें आयु सीमा की। तो मित्रों आप यहाँ आयु सीमा देख सकते हो, न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित की गई है इसमें आयु। ठीक है, कम से कम आप 18 साल के हो और अधिक से अधिक 25 वर्ष के, और जो आरक्षित वर्ग हैं उनको नियमानुसार इसमें छूट दे दी जाएगी। अब हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो इसमें किसी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें जो आवेदन शुल्क है वो आपका फ्री रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो मित्रों, इसमें लिखा है आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए निःशुल्क है। तो आपको इसमें फीस वगैरह कुछ नहीं देनी पड़ेगी, आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का जो मोड है वो जाएगा वो ऑफलाइन फॉर्म आप अप्लाई करोगे। ऑफलाइन फॉर्म आपको ये फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। किस प्रकार? ऑफलाइन। तो हम दिखा देते हैं आपको जो ऑफलाइन फॉर्म है वो किस एड्रेस पे भेजना है। ठीक है, विज्ञप्ति में ये इंग्लिश वगैरह में है तो हम आपको हिंदी में दिखा रहे हैं यहाँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पत्राचार का पता, डायरेक्टर जनरल स्टाफ डायरेक्टोरेट जनरल BSF ब्लॉक क्रमांक 4 CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली नई दिल्ली, पिन है 110003। इस पे आप ये फॉर्म भर के भेजना है। भेजने की डेट है, आवेदन की जो अंतिम तिथि है 22 जुलाई 2018 के पहले पहले आप ये आवेदन कर सकते हो। इसके बाद में आपका आवेदन सबमिट नहीं किया जाएगा। तो अब हम आपको दिखा देते हैं जो लिस्ट निकल के आ रही है, PDF निकल के आ रही है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं और आप ये जानकारी कहाँ से प्राप्त करोगे। ये जो PDF है, तो मित्रों ये है उसकी ऑफिशियल PDF, आप यहाँ देख सकते हो इसमें कितनी कितनी वैकेंसी निकल रही है। CTV व्हीकल, ये मैकेनिक की, ऑटो इलेक्ट्रिशियन की, तो यहाँ अलग अलग देख सकते हो, वेल्डर की वैकेंसी निकल के आ रही है। टोटल वैकेंसी आपको मैंने बताया था वैसा, यहाँ देख सकते हो आप 207 वैकेंसी आपको यहाँ मिल रही है।
207 वैकेंसी आपको यहाँ मिल रही है। पेमेंट वगैरह देख सकते हो, पेमेंट इसमें आपको अच्छा मिल रहा है। पेमेंट देख सकते हो, ले CPC जो लेवल 3rd है उसके हिसाब से आपको इसमें वेतन मिलेगा। इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि इसमें आपको 3 साल का अनुभव होना चाहिए संबंधित ट्रेड में। संबंधित ट्रेड जो ट्रेड है उसमें 3 साल का यदि आपके पास अनुभव है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं, यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी SC ST OBC की लिस्ट यहाँ देख सकते हो। एज़ वगैरह मैंने आपको बताई थी वैसी एज़ वगैरह है। इसका जो लास्ट डेट है वो हो जाएगी 22 जुलाई तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो अधिक जानकारी के लिए मित्रों आप ये जो टेलीफोन नंबर है उस पर भी संपर्क कर सकते हो। ठीक है मित्रों, ये जो टेलीफोन नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हो कि ये रिक्रूटमेंट सही है या नहीं। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल संदीप ज्ञान को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो साइड में बेल आइकन दिखाई दे उसे ज़रूर दबाना, जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।